अज पंजाब दे लई इह दिन अहम रहा है क्योंकि कई अहम फैसले जिहड़े ने सरकार दे वल्लों दी लए गए ने क्योंकि पंजाब दे विच हुण बिजली दीआं दरां जिहड़ियां ने उह महंगीआं कर दित्तीआं गईआं ने तां सारे घरेलू खपतकारां दे लई जिहड़ी दरां ने उह वधा दित्तीआं गईआं ने। तां दस्सदी कि इत्थे झटका जिहड़ा है जरूर पहलां लोकां नूं मिलिआ सी पर उस तों बाद सरकार दा बयान सामने आंदा है कि इह वधीआं होईआं दरां जिहड़ीआं ने उस दा बोझ जिहड़ा है उह लोकां दे उत्ते नहीं पएगा बल्कि सरकार इह खर्चा चुकेगी, यह बोझ जिहड़ा है सरकार ढोएगी। तां दो तो लैके माफ करना सिफर तो लैके 100 यूनिट तक 70 पैसे जिहड़े ने वधाए गए ने और 101 यूनिट तो लैके 300 यूनिट तक 80 पैसे वधा दिते गए ने और 300 तो उपर 45 पैसे वधाए गए ने। तां दस्सीए कि इह दरां ने जिहड़ियां कि वधियां होईआं ने, पुराने रेट की सीगे नवे रेट की सीगे वह भी तुहानूं इस वेले तस्वीरां दे विच दिखा रहे हैं। तां 3 रुपए 49 पैसे पहला रेट सीगे और हुण 4 रुपए 19 पैसे रेट है सिफर तो लैके 100 यूनिट तक जेकर तुसीं वरतदे हो और इस तों इलावा 101 तो लैके 300 यूनिट तक जेकर तुसीं खपत करदे हो तां 5 रुपए 5.54 रुपए दा सी कि पहला रेट सीगा और हुण 6 रुपए 64 पैसे रेट कर दिता गया है और जेकर 300 तों वध तुसीं खर्च करदे हो तां 7 रुपए 30 पैसे पहला रेट सीगा और हुण 7 रुपए 75 पैसे जिहड़ा है रेट हो जाएगा। तो यह रेट जिहड़े ने वधाए गए ने पर इसका बोझ सरकार कह रही है कि आम लोगों ते नहीं पवेगा बल्कि सरकार इसका बोझ ढोएगी। यूनिट वाली पंजाब सरकार की स्कीम इस तरीके लागू रहेगी। PSPCL के अपने खर्चे क्योंकि पिछले सालों च वधे आ उन्हां दा टारगेट पूरा कर लिया, उन्होंने टैरिफ वधाए आ जिन्हां दी पेमेंट पंजाब सरकार करेगी। तो आम बंदे ते आम पंजाबी ते इहदा किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पाऊगा, ये असीं बड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं। पंजाब ते 42,000 करोड़ का कर्जा चढ़ाता इन्हां ने, उहदी आर्थिकता भी सुधारनी पएगी। इस सरकार नूं नीतियां सोच समझ के बनाउणियां चाहीदियां ने। असीं जलंधर लोक सभा 22 इलैक्शन च कह रहे सी कि इह बाद च रेट वधाउणगे बिजली दे, लोकां ते वाधू भार पाउणगे, होर भी कई चीज़ां अजे करन वाले ने। तो इस करके उस वेले इन्होंने लोगों को भरमाउण दे लई इह कहा कि असीं तां फ्री बिजली दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं और हुण इह बिजली दे रेट वधाए आ। बिजली बोर्ड के हालात यह ने भी वह 19,000 करोड़ का कर्जा ही आ, तनखाह ते पेंशनां भी जिहड़ियां हैगियां 500 करोड़ रुपए का कर्जा लैके दित्तियां ने। सो मैं समझदा भी सरकार कोले तां जिहड़ियां सरकार दीआं अज दीआं चल रही योजनावां ने उह चलाउण लई पैसे नहीं हैगे। तो फिर सैकेंड चीज़ ये डोमैसटिक का तो सरकार दे दूगी पर जो कमर्शियल उत्ते बोझ पेगा, छोटे दुकानदारों के उत्ते बोझ पेगा। बिल्ली थैलियों बाहर आ गई है। सो किते ना किते सीधे या सीधे रूप दे विच इहदा जिहड़ा भार है इस 300 यूनिट का, चाहे वह सबसिडी के रूप दे विच या इस तो बाद भी जिहड़ा वह किते ना किते पंजाबियों के ही सिर पैना है, वह सीधे सीधे टैक्सा के रूप दे विच। तो विरोधी जिहड़े ने निशाने साधे हुए भी नजर आए हैं, उन्होंने कहना है कि जेकर सरकार भी पैसे दिंदी है तो वह लोगों का ही पैसा होगा क्योंकि टैक्स के नाल ही पैसा जिहड़ा है इकट्ठा होया, उही पैसा सरकार इत्थे लगाएगी। पर उत्थे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इत्थे बयान दिता है, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बिजली दरां दे वाधे का खर्चा चुकेगी और आम लोगों के उत्ते कोई भी बोझ नहीं पएगा, 600 यूनिट वाली स्कीम के 1 भी मीटर के उत्ते असर नहीं पवेगा।